नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 7 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। फेसबुक, टेलीग्राम पर दोस्तों आप हमसे जुड़ जाइए, हम यहाँ पर रोजाना महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और क्लास से जुड़े नोट्स और PDF आपको इंस्टा में जरूर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर जाके उसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम अनअकैडमी पर भी पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही इस एप्लीकेशन में आप सीधे अजय साहू टाइप करके हमें सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल का सवाल हम सबसे पहले देखते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाल ही में टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट डेब्यू में शतक लगाया है। सबसे कम उम्र के ये भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, मात्र 18 साल की ये उम्र के हैं। और आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है, और इसी तरह आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए, और वीडियो के अंत में जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उसका जवाब आप दिया करिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए। चलिए, इसके बारे में हम जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। ये मात्र 18 साल के हैं, 18 साल और 329 दिन को आयु में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, और ए बेग के 20 साल और 126 दिन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। दोस्तों, आज मैं क्लास लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मैं रोज़ 3-4 बजे उठकर क्लास अपलोड कर दिया करता था। अभी क्या हुआ, 3-4 दिनों से मैं रेगुलर 6 घंटे भी नहीं सो पा रहा था, काफ़ी व्यस्त था क्लास बनाने में और कुछ चीज़ों में, जिसके कारण मैं 6 घंटे भी प्रॉपर रूप से नहीं सो पा रहा था। इस कारण मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा। और आपको हमेशा ये होगा कि रोज़ाना 4-5 बजे आपको क्लास मिला करेगा, हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी गूगल को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष ब्रांड बन गई है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्पल कंपनी बन गई है, विश्व के टॉप की कंपनी ये बन गई है। और आईफोन का नाम आपने सुना ही होगा, आईफोन बनाती है एप्पल कंपनी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये टॉप पे आ गई है। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। एप्पल ने 2018 में दुनिया का शीर्ष ब्रांड बनने के लिए गूगल को पीछे छोड़ा है, जबकि फेसबुक डेटा उल्लंघन विवाद में फंस गया। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 ब्रांड में ये 90वें स्थान पर पहुँच गया, तो फेसबुक का स्थान 9 हो गया है। और आपको टॉप 3 में बता देता हूँ, पहला है एप्पल, ठीक है, दूसरे स्थान पर है अभी आपका गूगल, और तीसरे स्थान पर है अमेजन। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। ग्लोबल ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की बेस्ट 100 ग्लोबल ब्रांड्स 2018 रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन ने विश्व वैश्विक स्तर पर तीसरा शीर्ष ब्रांड बनने के लिए 56% की वृद्धि हासिल की। तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ की इन्होंने, 56% की वृद्धि हासिल की। रैंकिंग के मुताबिक एप्पल का ब्रांड वैल्यू 16% साल दर साल बढ़कर 214.5 अरब डॉलर हो गया है। यह US 1 ट्रिलियन मार्केट कैंप हिट करने वाली पहली कंपनी बन गई है, और अमेजन तीसरे स्थान पर है, गूगल दूसरे स्थान पर है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किसे स्पेन के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है संजय वर्मा। संजय वर्मा को स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, और ये 1900 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी रहे हैं। संजय वर्मा को स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया है, याद रखिएगा। यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं, उन्हें स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की जो मुद्रा है वो है यूरो, यहाँ पे है स्पेन, याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला मेथनॉल पाक कला ईंधन कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, ये किया गया है असम में, याद रखिएगा असम में ये चीज़ हुआ है। चलिए, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। असम में भारत का पहला मेथनॉल पाक कला ईंधन कार्यक्रम लॉन्च किया गया। पूर्वोत्तर और असम पेट्रो रसायन एक राज्य स्वामित्व कंपनी जो एशिया के पहले कैनेस्टर आधारित और भारत का पहला मेथनॉल पाक कला ईंधन कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए है। कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के सरस्वत और नामरूप के अध्यक्ष ने किया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब असम की बात किए तो असम के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि हाईकोर्ट और सबसे बड़ा राज्य असम का है गुवाहाटी। असम की प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, बराक, सुनई, और असम के शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सात्रियाँ।
बायोस्फीयर मानस बायोस्फीयर है, टाइगर रिजर्व है मानस, काजीरंगा और आरंग। काजीरंगा में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें याद हो जाए, एकदम कंठस्थ हो जाए। तो प्लीज़ इस लिए अगर आप डेली देखते हैं तो इसमें आप इरिटेट मत होइए, आप भी इसे डेली रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। नीति आयोग की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष जो भी प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष है, डॉक्टर राजीव कुमार मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है, अमिताभ कांत, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, इसका पुराना नाम था योजना आयोग, 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में तीसरा युवा ओलंपिक खेल अर्जेंटीना के किस शहर में शुरू हुआ। तो दोस्तों ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में तीसरे नंबर का ये तीसरा संस्करण है युवा ओलंपिक खेल। तो चलो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तीसरा युवा ओलंपिक खेल आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ। 46 एथलीटों सहित 68 सदस्यों के एक दल के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। प्रतिष्ठित आयोजन के दौरान 13 खेलों में भाग लिया जाएगा। तो टोटल 13 खेलों में भारत जो है भाग ले रहा है। 16 वर्षीय मनु भाकर ये जो हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक रहीं। तो इनका नाम याद रखिएगा। 200 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। इस आयोजन में 15 से 18 आयु वर्ष के हजारों एथलीट विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो ये है युवा ओलंपिक गेम जिसमें 15 से 18 वर्ष के आयु के जो खिलाड़ी होते हैं वो भाग लेते हैं। और इसका जो शुभंकर इस गेम का वो है पांडी। तो पांडी देख लेते हैं इमेज में ये कैसे दिखता है। तो ये है शुभंकर इस गेम का, याद रखिएगा पांडी। अर्जेंटीना के बारे में बता देता हूँ, अर्जेंटीना की जो राजधानी हम देख लिए ब्यूनस आयर्स है और इसकी मुद्रा जो है अर्जेंटीना पेसो, ये साउथ अमेरिका में, ये देखिए यहाँ पे है अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है। पंकज शर्मा को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। श्री शर्मा अमरदीप गिल की जगह लेंगे, वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग हैं। माइकल मोलर ये जो हैं जिनेवा के जो में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के 12वें महानिदेशक हैं। तो ये जिनेवा का महानिदेशक कौन है, माइकल मोलर, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उद्योग निकाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा कार्यकारी समिति और बोर्ड के निदेशक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों विक्रम लिमाय को नियुक्त किया गया है। आज बहुत सारी नियुक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा ये है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, WFE का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये है फुल फॉर्म WFE का। तो WFE मतलब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस का कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में विक्रम लिमाय को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO विक्रम लिमाय को अंतर्राष्ट्रीय उद्योग निकाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा कार्यकारिणी समिति और बोर्ड के निदेशक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय वैश्विक निकाय के 58 जो है नंबर के मतलब 98वीं आम सभा और ग्रीस में वर्तमान में चल रही वार्षिक बैठक में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सातवां प्रश्न है, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा पटना में, याद रखिएगा पटना में स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तो ये हैं सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री। इन्होंने घोषणा की कि पटना विश्वविद्यालय पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर में 28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत केंद्र विकसित किया जाएगा। और ये 28 करोड़ की अनुमानित लागत से केंद्र के द्वारा ये विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार गंगा नदी डॉल्फिन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 5 अक्टूबर को बिहार में डॉल्फिन डे के रूप में मनाती है। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन डे बिहार में। और पटना के बारे में बात करते हैं, तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, बिहार राज्य की राजधानी है एवं सबसे बड़ा नगर है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर ये
स्थित है। तो इतनी सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को IDBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो राकेश शर्मा को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये कैनरा बैंक के पूर्व प्रबंधन निदेशक भी थे। यह निर्णय 8 सितंबर 2018 में IDBI बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी श्रीराम के कार्यकाल की समाप्ति के बाद आया। शर्मा को 6 महीने की अवधि के लिए MD और CEO नियुक्त किया गया। तो ये 6 महीने तक रहेंगे। IDBI की स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में स्किल गैप बंद करने के लिए क्या लॉन्च किया गया? तो भारत में स्किल गैप को बंद करने के लिए टास्क फोर्स लॉन्च किया गया है। ये क्या चीज़ है इसको भी हम बताते हैं आपको। भारत में स्किल गैप को बंद करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? टास्क फोर्स विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ने भारत में स्किल गैप को खत्म करने के लिए एक टास्क फोर्स लॉन्च किया। टास्क फोर्स देश में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में के भविष्य में तेजी लाने के लिए कार्य करेगा। इसका क्या उद्देश्य है? टास्क फोर्स का लक्ष्य देश में भविष्य में नौकरियों के लिए भारतीय कार्यबल तैयार करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करना है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता? तो ये जीता है रेलवे मंत्रालय ने, याद रखिएगा, रेलवे मंत्रालय ने जीता है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने ये जीता है, स्वच्छता पखवाड़ा की स्वच्छता ही सेवा श्रेणी में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इसका पहल का आयोजन केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शौचालय निर्माण तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के लिए लोगों को समय देने के लिए प्रेरित करना था। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार देख लेते हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज निक कॉम्पटन, तो ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, निक कॉम्पटन याद रखिएगा, इन्होंने क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी, संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी। रिलायंस कैपिटल की पूर्व स्वामित्व सहायक कंपनी रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस को IRDAI ने अपने नए स्वास्थ्य बीमा कारोबार के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है और नई कंपनी दिसंबर 2018 तक परिचालन शुरू करेगी। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA में 21 देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में नवीनीकरणीय ऊर्जा पर दिल्ली घोषणा को अपनाया। इन राष्ट्रों में दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में आयोजित दूसरी ओरा नवीनीकरणीय ऊर्जा में मंत्री स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली घोषणा को अपनाया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में 2800 किलोमीटर लंबी 12 मासी ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के वित्त पोषण के लिए $110 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आज का सवाल है, हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक भारत ई भुगतान स्वीकृति में कौन से नंबर पर पहुंच गया है? तो भारत का स्थान आपको बताना है और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है, तो प्लीज़ दोस्तों इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।